पता नहीं बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं। वो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर वसाइल से नवाजा है, हर वसाइल से नवाजा है, तेल से, सोना से, कोयला से, हर चीज से नवाजा है। जो कंट्री यानी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन इशारा शायद इधर का ही था कि जो हिंदुस्तान भारत के अगेंस्ट थे या उनके उसकी तरफ मैली आंख से देखते थे, आज आटे के लिए भटक रहे हैं। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसको जितना खाएंगे ये उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। उसका प्रोपेगेंडा है, थोड़ा मुआशी तौर पे वो सफल हुआ इंडिया। कैसे हो गया वो देखें, अपनी जगह पे ठीक कह रहे होंगे। हमारे मिसाइल पड़े पड़े जंग आलूदा हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाइल लेके चार दौड़े, लेकिन कोई जवाब भी नहीं दिया गया। जितना नुकसान मोदी सरकार ने भारत को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कोई लीडर ऐसा आया हो कि जिसने भारत को इतना नुकसान पहुंचाया। हम जी जूते मारेंगे जी इनको। अच्छा, कश्मीर की तरफ देखें, कश्मीर हमारी शाहराग है भाई। इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आयर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा। आम आदमी जो आम आवाम है उसका क्या कसूर है, जो आटे के लिए रो रहा है, जो बिजली के बिल ना देने की वजह से परेशान है, जो पेट्रोल की वजह से परेशान है, उसका क्या कसूर है? लोग आज तक सिलेक्शन ही नहीं कर पाए अपने लीडर्स की कि किसे आगे आना चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती चाहता है, भारत पाकिस्तान से दोस्ती नहीं चाहता। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, अभी कुछ एक दो दिन पहले की खबर है कि जो मालदीव भारत के साथ उलझ रहा था, उसको ना गेहूं, चावल, प्याज, अंडे, इन सब की जरूरत पड़ गई। तो उसने भारत से रिक्वेस्ट की और भारत ने जो है ना बहुत ही कम समय में जो है ना उसकी मदद कर दी। ये 2-3 दिन पहले की खबर है। अब इसी को लेकर पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस कर रहा है कि भारत के साथ इतने ज़्यादा रिश्ते ख़राब होने के बावजूद भी भारत सरकार अगर मालदीव के एक बार कहने पर उसकी मदद कर सकती है तो पाकिस्तान की क्यों नहीं कर रही हैं, और पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखिए वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पर झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया, इंडिया नीड ऑफ आयर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा, तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीप है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए, अब मालदीप भी, अब देखें इसके साथ वो मालदीप के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीप को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीप के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था, मालदीप हमने ये भी सुना मालदीप बैंकरप्ट हो गया, मालदीप बहुत नीचे चला गया, अब मालदीप दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीप के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 months मालदीप दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहां से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव ने मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीजें, प्याज, टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं, और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है, और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी तो इसके अतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है, और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त। तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इसमें। लेकिन एक जाने बाप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे, और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी जो अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया,
ठीक है, उसके बाद मामला चले। पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इकदाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील देते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जिसकी मालियत जो है वो 25 बिलियन डॉलर है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ी शिद्दत से इंडिया की ज़रूरत है और ये हमारे हालात और वक्त का तकाजा भी है। हमाद, अभी जो सादत हसन ने ये तमाम बातें की उस पर आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे बॉर्डर के दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं दहशत गर्दी की या वार की, तो अब वो देखिए मैं पहले भी ये बात करता हूँ अब भी करूँगा कि अब वो वार नहीं रही कि आप एक दूसरे पर मिसाइल डालो या आपकी आर्मी एक दूसरे को फेस ऑफ करें। यार अब मिसाइल, अब जो जंग है वो इकॉनमी की जंग है, अब जो जंग है वो आईटी की जंग है, अब जो जंग है वो ग्रोथ की जंग है, और यार उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो कंट्री, यानी नाम नहीं लिया पाकिस्तान का लेकिन इशारा शायद इधर का ही था कि जो हिंदुस्तान भारत के अगेंस्ट थे या उनके उसकी तरफ मैली आंख से देखते थे आज आटे के लिए भटक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये बताएं कि इस स्टेटमेंट के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कहूंगा सबसे पहले तो पाकिस्तान है। हाँ ये तो है, पाकिस्तान सबसे पहले है, वो उसका प्रोपोगंडा है। थोड़ा मुआशी तौर पर वो सफल हुआ इंडिया, कैसे हो गया वो, उसके कुछ बैन अवी रबते जो है कुछ रबते उसके ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान से, उसका बिजनेस ज्यादा अच्छा है। मतलब कि वहाँ पे ग्रुप्स हैं जैसे टाटा ग्रुप्स हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप्स वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है खासी तौर पे। तो हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस, हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन अच्छा आता है उसको एस्टेब्लिशमेंट पड़ जाती है और टैक्सेस की मार है। तो आम आदमी जो आम आवाम है उसका क्या कसूर है, जो आटे के लिए रो रहा है, जो बिजली के बिल ना देने की वजह से परेशान है, जो पेट्रोल की वजह से परेशान है, उसका क्या कसूर है? हम लोग आज तक सिलेक्शन ही नहीं कर पाए अपने लीडर्स की कि किसे आगे आना चाहिए, किसे आगे आना, सिलेक्शन नहीं है। हम लोगों को एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जैसे मकड़ी के जाल में मक्खी फंस जाती है ना, तो वो निकल नहीं सकती बाहर, जिंदा तो होती है निकल नहीं सकती, आस्ता आस्ता मरती है। तो आवाम को बिल्कुल उसी पोजीशन में फंसा दिया गया, आस्ता आस्ता सिसक सिसक के मर रहे हैं, निकल नहीं सकते बाहर, निकल नहीं सकते। निजाम इस तरह का भी नहीं है, निजाम इस तरह का है मेरे भाई, निजाम तोड़ना पड़ेगा। ये निजाम जो है ना, ये निजाम बहुत गलत है, निजाम तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, निजाम तोड़ने के लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। अच्छा, आपने जो बोला कि मतलब ये इस तरीके से परेशानियों का सामना है, यही अगर हम अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर कर लें, नफरतें छोड़ दें और अच्छे मतलब अच्छी बात करें, पॉजिटिव सोच रखें, आपको नहीं लगता कि खाने पीने की खास तौर पर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में काफ़ी हद तक कमी आ सकती है अगर इंडिया से हम ट्रेड कर लें? देखिए एक नंबर पर तो ये है कि आप थोड़ा सा इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो अच्छा। यूरोप सारा कभी आपके दोस्त नहीं तो ये चाइना कौन है? ये भी मुसलमान है चाइना, जिनसे सबसे ज्यादा ट्रेड हम चाइना से मतलब ये है कि इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के अपने मकसद है पाकिस्तान को करने के, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, वो एक्चुअल अपनी सिक्योरिटी चाहता है एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान को वो एज अपना एक छोटा सा गार्ड बनाना चाहता है, जैसे गार्ड नहीं होते किसी सिक्योरिटी गार्ड, आप किसी के घर के बाहर लग्जरी कोठी के बाहर कोई गार्ड रखते हैं, पाकिस्तान को वो गार्ड रखना चाहता है अपना। ठीक है, उसके अपने उसमें अपने मकसद है उसके, उसमें कोई पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा। नहीं, आपने बोला ना इस्लामिक नुक्ता नजर से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहूदी नसारा दोस्त नहीं हो सकते, तो मैं कहता हूँ चाइनीज कौन है, वो कौन से मुसलमान है, वो अगर उन बता दिए तो फिर उनसे अगर ट्रेड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं बात, अगर भारत का कोई मुफाद नहीं है हमारे साथ, मतलब नहीं है वो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से कंट्रीज के साथ कर रहे हैं वो, उसका कोई मुफाद नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन यहाँ पर आपने देखा है। एक बात तो यहाँ पर कहनी पड़ेगी कि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जिसको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट किस प्रकार से होती है, उसको तो ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड करता है तो फ़ायदे में रहेगा। और यहाँ पर वीडियो के अंदर आपने देखा भी है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा फायदे में है कि भारत के साथ वो ट्रेड करे, इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत की जो मार्केट है ना वो बड़ी भी है और रिच मार्केट भी है, तो इससे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। तो इसी को लेकर पाकिस्तान के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और जो खबर इस समय मेंशन की जा रही है वो ये है कि मालदीव ने, पहले तो मालदीव ने जो है ना भारत के साथ अपने रिश्ते ख़राब किए, जो भी इशू हुआ आपको पता ही है, फिर भारत की तरफ से भी मालदीव का बायकॉट किया गया। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि मालदीव के अंदर जो खाने पीने की चीज़ें, जो बेसिक जो फूड हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, प्याज हो गया, अंडा, ब्रेड, इन चीज़ों की कमी पड़ गई।
तो उसने जो है ना फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की और भारत सरकार ने जो शुगर है, जो चावल है, जो राइस है, इनके एक्सपोर्ट पर बैन लगा रखा है अभी फिलहाल। फिर भी भारत सरकार ने जो है ना मालदीव की मदद की और बहुत जल्दी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है मालदीव पहुंचा दी गई, ताकि वहाँ पर जो पब्लिक में जो है ना किसी भी प्रकार की कोई खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो जाए। तो यही चीज़ पाकिस्तान की पब्लिक भी डिस्कस कर रही है कि अगर मालदीव के साथ आप ऐसा कर सकते हो तो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है। तो ये सारी बातें यहाँ पर हो रही थी। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।